हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है पेड इन कैश बट अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम माय वॉलेट। मींस हमने कैश में भी पे किया है और हमारे फास्टैग वॉलेट से भी पैसा कट गया है। इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में आपको क्या करना है और क्या नहीं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपना पैसा कैसे रिफंड करवाना है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है एंड तक। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। होता क्या है, जब भी हम टोल प्लाजा पे जाते हैं तो किसी रीज़न से हमारा टैग जो है वो ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो हमें कैश में पे करना पड़ता है, या हम सोचते हैं कि हमें फास्टैग से नहीं, हमें कैश में दे के पे करना है। तो उसमें क्या होता है, हम अपना जो फास्टैग होता है वो डीएक्टिवेट करते हैं, बट किसी रीज़न से हमारा फास्टैग जो होता है वो डीएक्टिवेट नहीं होता और हमारा जो पैसा है वो फास्टैग वॉलेट से भी कट जाता है कैश में पे करने के बावजूद। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ एक कैश रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल, ये हमारा जैसे कैश रिसिप्ट है, ये आपको बहुत ही संभाल के रखना होता है आपके अपने पास जब तक कि आपका पैसा रिफंड नहीं होता। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ये कैश रिसिप्ट नहीं है तो आपका कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा। तो इसलिए जब तक कि आपका पैसा रिफंड नहीं होता, इसे आपको संभाल के रखना है। क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं साथ में, मैं आपको वो भी बता दूंगा। कैसे आपको रिफंड होगा, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो होता क्या है, जब भी हम टोल प्लाजा पे जाते हैं तो हमारा बार कोड जो है स्कैन हो जाता है और उस रीजन से हमारा जो पैसा है वहां से कट जाता है। तो चलिए मैं आपको सीधा पेटीएम ऐप पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कैसे रिफंड करना है आपको अपना पैसा। ये है हमारा पेटीएम ऐप। यहाँ पे आपको जाना है 24x7 हेल्प में, उस पर क्लिक करना है। वहाँ जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे, व्यू ऑल कैटेगरीज में क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा फास्टैग का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा आपको इशूइंग पेमेंट डन एट टोल प्लाजा यूजिंग फास्टैग, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आता है पेड इन कैश, सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे मैसेज अस पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपने मतलब जो भी आपका जो भी पैसा कटा है, आप जो भी यहाँ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे कि लिख दीजिए यहाँ पे पेड इन कैश बट अमाउंट ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम माई वॉलेट। ठीक है, आप ये लिख के, और यहाँ पे अपलोड अ पिक्चर है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जहाँ से भी आपको कैमरे से अगर क्लिक करना है तो कैमरे से क्लिक कर सकते हैं। दो डॉक्यूमेंट इसमें मैंडेट है जो आपको लगने हैं, वो है आपका पहला आरसी कॉपी एंड सेकंड है आपका कैश रिसिप्ट। तो ये दो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको कस्टमर केयर से रिस्पॉन्स आएगा। जैसे रिस्पॉन्स आता है आपका जो चार्जबैक है वो रेज हो जाएगा आगे, और जो आपका पैसा रिफंड होता है वो होता है आपका 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका पैसा जो है वो रिफंड हो जाता है। एज डिपेंड करता है कि मतलब कस्टमर केयर के ऊपर की कितने जो उनके रिस्पॉन्स कैसे किस तरीके से आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम जो टाइम होता है वो 48 आवर्स का होता है। आपको उतने अंदर अंदर पैसा आपका रिफंड हो जाता है। बस यही तक हमारी वीडियो है। आपको अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ भी आपको करने में इसमें प्रॉब्लम होता है, तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।